लक्ष्मण के पूछने पर राम जी ने उनको भगवान की उपासना का साधन बताया। लक्ष्मण ने श्री राम जी से प्रश्न किए थे, वैराग्य किसको कहते हैं, माया किसको कहते हैं, किस भक्ति से भगवान दया करते हैं, ईश्वर और जीव में क्या भेद है। कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सो भक्ति, कहूं जे हिदाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाई। ईश्वर में जीव में क्या भेद है वो समझाओ। जाते होई चरण रति, शोक मोह समन जाई। मेरा शोक मोह और परिश्रम चला जाए और परमात्मा चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, ऐसा आप मेरे इन प्रश्नों का जवाब देने की कृपा करो। श्री राम जी बोलते, मैं अरु मोर तोर की माया, ये शरीर मैं हूं और ये वस्तु मेरी है और वो तेरा है, इसी को बोलते माया। मैं मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया, जीवों की काया को बश कर दिया। मैं फलानी जाति का हूं, मैं फलाना हूं, मैं ये हूं, ये मेरा है, इसी का नाम माया है। जो वास्तविक नहीं और वास्तविक मान ले, मां माना जो नहीं या माना जो दिखे प्रतीत कराए, उसे माया कहते। अघटना को घटित करा दे, अघटना पटियसी यशसा माया। सपने में आप गंगा जी में नहीं है और गंगा जी आपके घर नहीं आई, लेकिन सपने की माया में गंगा जी बह रही है, आप कपड़े उतार रहे, थोड़ा शरीर ठंडा जल देखकर कुछ कल्पना भी हो रही है, फिर गोता मारते हैं, जंप मारते हैं गंगा जी में, मन में सोचते कपड़ों में घड़ियाल पड़ी है, पैसे पड़े, कोई ले न जाए, तो गंगा जी बाहर है और कपड़ों में कुछ पड़ा है, कोई ले न जाए, ये भाव अंदर है, तो सपने में भी अंदर बाहर देखता है और जागृत में भी अंदर बाहर देखता है, लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है वो क्षेत्र गया है और जो दिखता है वो क्षेत्र है। इस विभाग को जानकर अपना विवेक प्रखर कर दो। विवेक प्रखर करोगे तो किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी परिस्थिति में राग नहीं रहेगा, इसको बोलते वैराग्य। दिखता राग, जो राग गया तो भय भी चला जाएगा, शोक भी चला जाएगा, दिखता राग भय क्रोध, क्रोध भी चला जाएगा। मुनि मोक्ष परायण, आप मनन करने वाले मोक्ष के परायण हो जाएंगे। मोक्ष सर्वोपरि उपलब्धि है, सर्वोपरि ऊंचाई है। तो राम जी कहते हैं, मैं अरु मोर तोर की माया, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो माना इंद्रियां, गोचर माना इंद्रियों के द्वारा जो मन है, जहां भी भागता है, जो भी कल्पना करता है, वो सब माया है, क्योंकि मन ही माया का कार्य है। तो माया माया को देखेगी परमात्मा की सत्ता से, लेकिन परमात्मा को मन नहीं जान सकता, परमात्मा को बुद्धि नहीं जान सकती, परमात्मा को आंखें नहीं जान सकती। आंखें सीमित है, परमात्मा असीम है। नाक की गंध लेने की सीमा है, परमात्मा असीम है। ऐसी बुद्धि भी सीमित है, मन भी सीमित है। करोड़ों अरबों बुद्धियों को सत्ता दे रहा है और बुद्धियां बन बन के बदल जाती है, फिर भी जोन का त्यों है। उस असीम को सीमा वाली बुद्धि से तुम कैसे पकड़ोगे। तो राम जी कहते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानू। तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। माया में गुण और दोष अनेक दिखते।
तो ये गुण दोष प्रकृति में होते हैं। परमात्मा निर्गुण निर्दोष जो कहते हो उस परमात्मा को अपने आत्मरूप में मान लिया जान लिया तो मुक्त हो। तो श्री राम जी कहते हैं मैं अरु मोर तोर की माया गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानू भाई। ज्ञान मान जहां एक नाही देखत ब्रह्म समान सब भाई। कई तासु परम विरागी वैराग्य क्या है जिसको किसी भी ज्ञान का मान नहीं है। मैं हिंदू हूं मैं मुसलमान हूं मैं विद्वान हूं मैं मूर्ख हूं मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं ये सब मन में बुद्धि में होता है। उसको जानने वाला इनसे असंग है। ज्ञान मान जहां एको नहीं कोई मान्यता अपने में थोपता नहीं। देखत ब्रह्म समान सब माही वो सभी में जो मैं फूर रहा है वो वही का वही है। जैसे मेरे हृदय का आकाश और सभी के हृदय का आकाश एक है। मैं जो श्वास लेता हूं सभी उसी विराट श्वास से श्वास लेते ऐसे ही मैं जहां से स्फूर्ता है सभी का मैं वही है। वो परम वैराग्यवान है। कई ऐसे वैराग्यवान होते हैं कपड़े छोड़ देते हैं लंगोट छोड़ देते हैं नग्न रहते हैं कुछ भी नहीं है फिर भी देह को मैं मानने वाला राग है मान्यता है। मैं देह को मैं भी नहीं मानता हूं मैंने देह को मैं मानना भी छोड़ दिया। मैं मानना छोड़ दिया वाला भी तो है इससे भी परे ज्ञानी। ज्ञान मान जहां एको नाही कोई मान्यता नहीं देखत ब्रह्म समान सब माई। कहिए तासु परम वीर आगे तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। रात को नींद आएगी तमस में ज्ञान ये नहीं सोचता कि मैं सो रहा हूं शरीर सो रहा है व्यवहार में बोल देगा मैं सो रहा हूं। स्वप्न आएगा तो मैंने स्वप्न देखा बोलेगा लेकिन समझते कि स्वप्न आता है सूक्ष्म शरीर में हिता नाम की नाड़ी में। नींद आती है कारण शरीर में भूख प्यास लगती है प्राणमय कोष को ठंडी और गर्मी लगती है अन्नमय कोष को। काला गोरा होता है चमड़ा मोटा और पतला होता है मांस स्थूल। मैं इन सब से असंग साक्षी हूं मां चुप्पी हो जाती। वो अर्जुन श्री राम जी लक्ष्मण को बोलते इसी का नाम है वैराग्य। कहीं तासु परम विरागी तृण सम सिद्धि तीन गुण था। किस रीति से भक्ति करे ये प्रश्न था। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति अनुपम सुख का मूल है। जिस सुख की कोई उपमा नहीं दे सकते ऐसा सुख भक्ति से मिलता है। राम जी बोल रहे हैं जो मजाक में और सपने में भी झूठ नहीं बोलते ऐसे श्री राम जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले ही जो संत हो वही अनुकूला। संत हमारे अनुकूल हो तो परम अनुपम सुख की मूल भक्ति मिलेगी। भक्ति कैसे मिले बोले संत अनुकूल हो हमारा व्यवहार श्रद्धा आचरण ऐसा हो कि संत के हृदय में हमारे मंगल की भावना हो हमारे कल्याण की भावना हो तो फिर हमें वो भक्ति मिलती जिस भक्ति के सुख की किसी से उपमा नहीं है। भक्त माना भगवान तत्व से विभक्त न हो अलग न हो ऐसी भक्ति। भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत हो वही अनुकूला। फिर कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी।
किसी में भी किसी भी अवलंबन की आवश्यकता नहीं रहती भक्त को आगे चल के। ज्ञान विज्ञान एक दूसरे के अधीन रहते, भक्ति किसी के अधीन नहीं। ऐसी भक्ति वाले के लिए श्री कृष्ण ने कहा, वाग गदगदा, भगवत भाव में वाणी गदगद हो जाए, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, भक्ति के बल से चित्त द्रवित हो जाता है। असति क्वचित, कभी भक्त हंसते लगता है, असति क्वचित रुदति भीक्षणम, कभी रोना आने लगे, उद्गायंती कभी गीत गूंजने लगे, कभी नृत्य होने लगे, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायंती वी लज्जे नृत्यंते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी में प्रेम से गदगद हो रही, चित्त पिघलकर एक और बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं छूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसते भी लगता है, कहीं लज्जा छोड़कर नाचने भी लग जाता है ऊंचे स्वर से, तो कहीं नाचने लगता है तो कहीं भैया औधव मेरा वह भक्त न केवल अपने को ही बल्कि सारे संसार को पवित्र करने वाला हो जाता है। ऐसा मेरा भक्त जो मुझ क्षेत्र में जग जाता है, मुझ क्षेत्र में प्रीति करता है, अंतर्यामी रूप से, कृष्ण रूप से, राम रूप से, शिव रूप से, गुरु रूप से, किसी भी रूप से, जो भगवान को ही चाहता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगत गिरा नैन बहे नीरा। गिरा गदगद हो जाती, कभी कभार नैन भर जाते। काम आदि मद दंभ न जाके, जिसमें काम मद और दंभ नहीं, तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन कर ही निष्काम। वचन भी मेरे लिए बोलता है, सुनता भी मेरे को है, मेरे सिवाय और उसकी कहीं रुचि और गति नहीं, और निष्काम भाव से करता है। तिन के हृदय कमल महु करहूं सदा विश्राम। भगवान राम ने पूछा ऋषि से, मैं कहां विश्राम करूं? बोले उन्हीं के हृदय में विश्राम कर। तो ऐसे भक्त को विश्राम मिलता है, भगवत विश्रांति। भगवत विश्रांति से कई सामर्थ्य भी आ जाते भक्तों।